हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास जिस पर अपना डिस्कशन था, दैट इज द प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज रिलेटेड टू द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपने डिस्कशन किया था। सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है? जहां पे किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पे, जब आप किसी थर्ड पॉइंट से उसको M1 रेशियो M2 में डिवाइड करते हो, सो विद द हेल्प ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला we can find the coordinate of the that required point. आप उस required point के coordinate find out कर सकते हो किसके हेल्प से? सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से। सेक्शन फॉर्मूला एक्सप्रेशन आपने क्या लिखा था, रिपीट कर रहा हूं, x coordinate equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and y value is m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. If we have to find the ratio, so we can consider let the required ratio is k ratio 1. तो ये सेक्शन फॉर्मूला किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं? के के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। फिर आपसे डिस्कशन हुआ था कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट्स के एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पे अगर लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के इस तरीके से, मतलब किसी लाइन सेगमेंट पे इस तरीके से लाई कर रहा है कि उस पॉइंट से गिवन दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब वो पॉइंट उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का क्या होगा? मिड पॉइंट। सो वी कैन गो फॉर द मिड पॉइंट फॉर्मूला। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला? एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारा डिस्कशन था जो अपने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन परफॉर्म होते हैं बेस्ड ऑन द सेक्शन फॉर्मूला। प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला, इस एक्सरसाइज में अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन द सेक्शन फॉर्मूला। लिखिए आप लोग कॉपी में क्वेश्चंस लैंग्वेज के अंदर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एवरीवन राइट द क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a-1,7 and b-4,-3, which divide the line segment joining the point -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज मैंने बोर्ड पे कंप्लीट नहीं लिखा, आपको कॉपी लिखवाया। क्या लिखवाया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, आपको उस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, व्हिच डिवाइड्स the line segment joining the point A and B and in which ratio it is divided 2:3। तो देखिए डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे करने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। आपने सपोज दैट कंसीडर किया और आपके पास में पॉइंट A और पॉइंट B है। अगर क्वेश्चन में पॉइंट्स का नेमिंग गिवन तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं गिवन है तो आप उन पॉइंट को लेट कर लेंगे, पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A का वैल्यू है -1,7 और पॉइंट B का वैल्यू है 4,-3। क्लियर है? अब इन दोनों पॉइंट के बीच में एक दूसरा पॉइंट आपको, जो जिसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने, तो लेट कर लेंगे क्या, लेट दैट रिक्वायर्ड पॉइंट इज पी x,y। ठीक है बेटा, आप उस रिक्वायर्ड पॉइंट को पी लेट कर लेंगे x,y, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 2:3। दैट मीन्स इनडायरेक्टली अगर बात करें तो 2:3 का मतलब हो गया कि m1:m2 का वैल्यू कितना हो गया? 2:3। तो सॉल्यूशन के अंदर लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, सबसे पहले जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो आपने p x y एंड किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सो एंड m1:m2 इज इक्वल टू 2:3। ओके बेटा, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट p x y एंड m1:m2 दैट इज 2:3। सो बाय विच फॉर्मूला? वी विल गो फॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यहां किस फॉर्मूला से काम करना है? सेक्शन फॉर्मूला कैसे आइडेंटिफाई हुआ? तो जब भी आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है या किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है रेशियो फाइंड आउट करना है, तो वो सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू अप्लाई करेंगे। एक बार मैं आपको लिख के बताता हूँ फॉर्मूला एक्सप्रेशन, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सो आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, m1 इज 2, x1 x2, समझ में आ रहा है? देखिए इसमें फिक्स रहेगा सेक्शन फॉर्मूला में, जो पहले पॉइंट है वो x1 y1 होगा और जो बाद का पॉइंट है वो x2 y2 होगा। इसमें
एक्स वन वाई वन या एक्स टू वाई टू को इंटरचेंज नहीं कर सकते, आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो एम वन के साथ एक्स टू है, एम वन के साथ एक्स टू, बहुत क्लियरिटी के साथ वैल्यूज को पुट करना है, प्लस एम टू, एम टू के साथ एक्स वन है जो कि वैल्यू में माइनस वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, दैट इज द टू प्लस थ्री। तो अगर इस कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हो, टू फोर जा एट, प्लस माइनस माइनस थ्री अपॉन फाइव, एट माइनस फाइव फाइव, फाइव अपॉन फाइव वैल्यू इज वन। तो ये तो हो गया एक्स के लिए, एंड जब आप सेकेंड टाइम वाई के लिए अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला एक्सप्रेशन वापस है वही है, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन वैल्यू टू, y2 वैल्यू, ध्यान रखिएगा ये y1 है ये y2 है, बहुत क्लियरली देखिएगा बेटा, y2 वैल्यू माइनस थ्री, एम टू थ्री, y1 वैल्यू कितना है, सेवन है, बहुत अच्छे से वैल्यूज को ऑब्जर्व करके पुट करना है, y1 वैल्यू सेवन अपॉन में m1 प्लस m2, सो y इज इक्वल टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स, सेवन थ्री सर ट्वेंटी वन अपॉन फाइव, माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी वन फिफ्टीन, फिफ्टीन अपॉन फाइव हाउ मच थ्री, सो एट लास्ट Hence, required point P is, what is the required point P? 1, 3. Okay, students, what is the required point coordinate? The required point P is 1, 3. क्योंकि section formula से x का value आपने 1 find out किया, y का value आपने 3 find out किया. So finally, we can say and we can express that the required point is 1, 3. Okay, students. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस सेक्शन फॉर्मूला के लिए अप्लाई करना है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के लिए रेशियो भी आपको गिवन था, आपको सिर्फ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जिसके लिए क्वेश्चंस आपको परफॉर्म करना है सेक्शन फॉर्मूला से, क्लियर। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, find the coordinate of the points of trisection. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Find the coordinate of the points of trisection joining the line segment 4, -1, joining the line segment 4, -1 and -2, -3. Okay, friends, what is the question? Find the coordinate of the point of trisection. आपको ट्राइसेक्शन पॉइंट के कॉर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, किसके लिए? ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट 4, -1 एंड -2, -3. तो सबसे पहले लेट गिवन पॉइंट्स है इनको सबसे पहले आपने ए लेट कर लिया, 4, -1 एंड बी -2, -3. ओके, आपने पॉइंट सेलेक्ट कर लिए ए और बी, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन विच डिवाइड ए बी आर पी एंड क्यू। ओके स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड आउट करना है, सो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन विच डिवाइड ए बी आर पी एंड क्यू। तो देखिए एक्सप्रेशन में किस तरीके से परफॉर्म करना है, ए और बी पॉइंट है, ए और बी के बीच में लाइन सेगमेंट्स में पॉइंट पी और क्यू इस पे लाई करना है आपको, ताकि आपका लाइन सेगमेंट ए बी क्या हो जाए, ट्राइसेक्ट। गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है, 4, -1 एंड बी -2, -3, क्लियर है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कौन कौन से जो डिवाइड कर रहा है ए बी को, पी एंड क्यू, दैट इज अगर पी और क्यू आपके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है तो आपको सबको पता है एपी रेशियो पी क्यू रेशियो क्यू बी इज इक्वल टू 1:1:1, यस और नो? तो तीनों का रेशियो अगर 1:1:1 हो गया तो सबसे पहला आप वर्क करेंगे किसके लिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। सबसे आप कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे, पी के लिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी में आपको क्या लिखना है, रिक्वायर्ड रेशियो। कोऑर्डिनेट ऑफ पी के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशियो एपी रेशियो पीबी इज इक्वल टू
1:2, बताइए समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, बोर्ड पे 1:1:1, तो पॉइंट पी के लिए अगर आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में जो आपका एवी लाइन है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, बताया था लास्ट क्लास में भी, 1:2, क्योंकि इधर का पार्ट 1 है और इधर का पार्ट 2 है, तो पॉइंट पी के लिए अगर आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी में रिक्वायर्ड रेशियो एपी रेशियो पीबी इज 1:2 बाय सेक्शन फॉर्मूला अब एक बार मैं और बताता हूं, अगर आपको P के कोऑर्डिनेट को आपको फाइंड आउट करना है तो P इज इक्वल टू, आप इस तरीके से ब्रैकेट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और कॉमा करके m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो बाइसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट P के लिए। तो P के लिए आपको x कॉमा वाई कैलकुलेट करना होता है, तो x के लिए फॉर्मूला, y के लिए फॉर्मूला। पॉइंट P के लिए क्या लिखेंगे, m1 कितना है, m1 m2 1:2, तो देखिए एक बार ब्रेक ब्रैकेट में लिख देता हूं, 1 x2 का वैल्यू कितना है बताइए बेटा, x2 का वैल्यू कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बस x1 x2 सही से देखना है, -2 प्लस m2 x1 x1 है 4 अपॉन में m1 प्लस m2, फिर कॉमा करके m1 y2 y2 कितना है देखिए, आपको क्रॉस चेक करवा रहा हूं, -3 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2। p इज इक्वल टू, अब वापस स्मॉल ब्रैकेट में 1 × -2 -2 प्लस 2 × 4 = 8 अपॉन 3, 1 × -3 -3 -2 अपॉन 3। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, P इज इक्वल टू -2 + 8 कितना होगा 6, 6 अपॉन 3 कितना हो गया 2, -2 + 6 6 अपॉन 3 2 हो गया, -3 - 2 -5 -5 अपॉन 3। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 2, -5/3। वापस देख लीजिए एक बार, कहीं कुछ एरर नहीं हो, फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, पॉइंट पी के लिए रेशियो कितना है, पॉइंट पी के लिए रेशियो कितना है m1:m2 दैट इज 1:2, आपने अप्लाई किया वैल्यूज, अच्छे से देखना है, वापस क्रॉस चेक करना है, x2 कितना है -2, x1 कितना है 4, क्लियर है, ये आपने लिखा है m1 + m2 वैल्यू आ गया सॉल्व होके, y2 कितना है -3, y1 कितना है -1, सॉल्व किया आपके पास फिर से आंसर आ गया -5/3। तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ पी के लिए, क्लियर है बेटा। अब इसी तरीके से सेम यही वर्क आप खुद से रिपीट कर लीजिएगा, किस तरीके से, कि अगर इसी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कैलकुलेट करता हूं तो देखिए इसी फॉर्मूले को आपको वापस से यूज करना है, और वापस से यूज करके क्या कैलकुलेशन करना है ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू में आपको क्या लिखना है, रिक्वायर्ड रेशियो, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू के लिए रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, AQ ratio QB इज इक्वल टू 2:1, रिक्वायर्ड रेशियो AQ ratio QB इज इक्वल टू 2:1, सही है ये बात। देखिए इधर अगर क्यू के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो इधर का पार्ट 1 और 1 कितना हो गया 2, और इधर का पार्ट 1 तो कितना बना 2:1, तो वही सेक्शन फॉर्मूला आपको वापस अप्लाई करना है, क्यू पॉइंट के लिए क्या लिखे 2:1, आई थिंक वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करके आप कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आ जाएगा, और लास्ट में आप लिख देंगे द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर, पहले पी के कोऑर्डिनेट और फिर आप लिख देंगे क्यू के कोऑर्डिनेट, क्लियर बेटा, द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर, द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर, पहले आप पी के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, एंड करके क्यू के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि आपके पास में ए टू बी में पहले पी आ रहा है पॉइंट में और फिर क्यू आ रहा है, तो ये जरूरी है कि पहले आप पी को लिखे फिर एंड करके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन में क्यू को मेंशन करें, क्लियर बेटा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस में पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हो, वैसे क्वेश्चंस आपसे कह सकते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 equal parts, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसी क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और हो जाएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 equal parts, तो 4 equal parts के अगर डिवीजन के लिए आपको वर्क करना है तो 4 equal parts में आपको 3 points रिक्वायर्ड होंगे, ए और बी के बीच में कौन कौन से, पी क्यू और आर, 1:1:1:1 में अगर आप वर्क करेंगे तो सबसे पहले आपको क्यू के लिए पॉइंट मिल जाएगा। देखिए बेटा ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक बार इस क्वेश्चन के लिए फिर बता देता हूं,
ताकि ये भी क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट हो जाए। तो 1:1:1 में आप सबसे पहले पॉइंट क्यू को लीजिए और आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू के लिए आपको क्या लिखना है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यों होगा क्यू मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि इधर 1:1:2 हो गया, इधर 1:1:2 हो गया, तो 2:2 का मतलब दैट इज 1:1, और 1:1 है इसका मतलब क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो क्यू के कोऑर्डिनेट ए और बी पॉइंट के लिए x1+x2/2 एंड y1+y2/2। क्यू कैलकुलेट होने के बाद आपको लिखना है पॉइंट पी डिवाइड द लाइन ए क्यू। ए के लिए कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, क्यू का आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो ए क्यू के लिए 1:1, और फिर जब आप आर के लिए कैलकुलेट करते हो तो आपको लिखना है क्यू बी के लिए, और क्यू बी के लिए क्या बनेगा फिर से रेशियो 1:1। अगर क्वेश्चन 4 इक्वल पार्ट्स के लिए आता है तो आपको इस तरीके से वर्क करना है। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन में आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए जिसमें आपको रेशियो दे रखा था, सेकंड क्वेश्चन में भी आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए जिसमें आपने ट्राइसेक्शंस के लिए बात की, फिर आपको एक क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में करवाएगा जिसमें आपने 4 इक्वल पार्ट्स के लिए वर्क किया है। अब अपने क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है और रेशियो फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट गिवन होकर क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो लिखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, स्टेटमेंट में आपको लिखवा रहा हूं, लिखना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन, फिर जो वैल्यूज होगी वो बोर्ड पे लिख दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में आप लोग लिखिए फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन लिखिए बेटा फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इसमें मैं आपसे रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं। फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, -5, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, -5 एंड -4, 5। देखिए बेटा फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, -5 एंड -4, 5 is divided by x-axis, is divided by x-axis, and also find the coordinate of that, and also find the coordinate of that required point, and also find the coordinate of that required point. वापस से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। Find the ratio in which the line segment joining the point, in which the line segment joining the point is divided by x-axis. अब देखिए यहां पे जो रेशियो फाइंड आउट करना है वो उस पॉइंट के लिए होना चाहिए जब ये लाइन सेगमेंट किसके थ्रू डिवाइडेड होता है, x-axis के थ्रू डिवाइड हो रहा है, किसके थ्रू डिवाइड हो रहा है, x-axis के थ्रू। तो अब आप बताइए कि अगर किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट x-axis के थ्रू डिवाइड होगा तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, बताओ बेचारा। x-axis के थ्रू आपको मैंने बताया था इस तरीके से कि अगर किसी कार्टेशियन प्लेन पे अगर आप वर्क कर रहे हो, जैसे सपोज एक रफ फिगर की अगर बात करता हूं, ये अगर आपका एक कार्टेशियन प्लेन है और इसमें मान लेते हैं कि पॉइंट ए यहाँ पे और पॉइंट बी यहाँ पे है, इनको आपने ज्वाइन किया, और अगर ये डिवाइडेड हो रहा है किससे, x-axis से, तो x-axis पे पॉइंट क्या होता है, सबको पता है जो x-axis पे रिक्वायर्ड पॉइंट होता है वो क्या होता है, x, 0 होता है कि नहीं होता, बताइए। अगर कोई लाइन सेगमेंट x-axis के थ्रू डिवाइड होगा तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या लिखा जाएगा x-axis पे, x, 0। तो ये जो पॉइंट है x, 0, ये इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले वो आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, और रेशियो कैलकुलेट होने के बाद में ये कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। तो जब रेशियो फाइंड आउट करना है उसका मतलब रिक्वायर्ड रेशियो को क्या लेट कर लेंगे, k-1, और उसके लिए आपको देखिए x तो आपका नोन है लेकिन x-axis पे y कोऑर्डिनेट आपको मालूम होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेगा कि जब x-axis से डिवाइड हो रहा है लाइन सेगमेंट तो x तो आपका अननोन है लेकिन उस x-axis पे y कोऑर्डिनेट आपको मालूम होता है कितना, 0। जब यही क्वेश्चन एग्जाम में y-axis को लेके बनता है तो वहां पे y तो अननोन होता है लेकिन x कोऑर्डिनेट मालूम होता है कितना, 0। तो रेशियो कैलकुलेट करने के पहले y के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और वो रेशियो कैलकुलेट होने के बाद में आप वापस से सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा, एक्स के लिए, एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। आपको कैसे क्या करना है लिखे कॉपी में, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट,
लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट पॉइंट ए 1, -5 एंड बी -4, -5. लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट, वो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट ए 1, -5 एंड बी -4, -5. Let the required point joining the line segment A and B divided by the x-axis, is, उस point को मैं let कर रहा हूं क्या, divided by the x-axis is Px, 0. Clear बेटा, वो required point जो कि A और B को divide करेगा किसके थ्रू, divided by x-axis is Px, 0. In the ratio, ratio calculate करना है तो आगे लिखिए Px, 0 in the ratio, k ratio 1. M1 ratio have to be let कर सकते हो, otherwise k ratio 1 भी let कर सकते हैं. तो point हो गया x, 0 और जिस ratio में divide कर रहा है वो required ratio क्या है, k ratio 1 है. तो condition यही है कि आप दोनों points को एक बार diagram इस तरीके से represent कर दीजिए A और B करके. तो A value आपका है 1, -5, B value है आपका -4, -5. x एक्सिस के थ्रू जो डिवाइड होगा तो वो पॉइंट आपका जो x एक्सिस पे बनेगा इस लाइन सेगमेंट का वो होगा x, 0 और जो रेशियो बनेगा वो होगा k ratio 1. क्लियर है? तो k रेशियो अगर 1 है तो आप जाएंगे किसके साथ, बाय सेक्शन फॉर्मूला. क्लियर बेटा सबको, बाय सेक्शन फॉर्मूला y इज इक्वल टू, मैं पहले y के लिए अप्लाई कर रहा हूं, y के लिए अगर k रेशियो बने अप्लाई करता हूं तो k y2 + y1 upon k plus 1. कॉपी में लिखवा रखा है अच्छे से देख लीजिएगा, k रेशियो 1 के फॉर्म में m1 y2 + m2 y1 upon m1 + m2 लिखते हैं ना, तो क्या लिखा जाता है, k y2 + y1 upon k plus 1. तो देखिए आपको मालूम तो है ही है, अब मैंने y के लिए क्यों अप्लाई किया, क्योंकि y कोऑर्डिनेट आपको मालूम है कितना है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0. तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है, k y2 कितना है, ये देखिए बेटा इधर x1 y1 x2 y2, तो y2 कितना है 5 है, प्लस y1 कितना है -5, अपॉन में क्या आएगा k plus 1, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पे क्या आ जाएगा वैल्यू, 0 इक्वल टू k इनटू 5 5k minus 5. तो डेफिनेटली जब आप 5k को इधर लेके आएंगे तो -5k इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 5/5. सो व्हाट इज द वैल्यू, k is equal to 1. 5/5 का मतलब 1 आ गया, और 1 आने का मतलब hence, 1 आने का मतलब क्या हो गया, hence required ratio is, k value 1 आने का मतलब क्या हो गया, required ratio is 1 ratio 1. required ratio is 1 ratio 1. अब required ratio अगर k ratio 1 1 ratio 1 है, so by, अब required ratio अगर 1 ratio 1 होता है तो आप सबको समझ में आता है कि 1 ratio 1 के लिए आपको अलग से बता रखा है, उसमें सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला. अगर रेशियो 1 ratio 1 आ जाता तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, और रेशियो कुछ और आता है 2/3, 3/4, 4/5, सब उधर k का वैल्यू 2/3 आता, तो 2/3 आने का रिक्वायर्ड रेशियो क्या बनता, 2 ratio 3. 4/5 आता तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या बनता, 4 ratio 5. तो वहां अप्लाई कर देना सेक्शन फॉर्मूला, और 1 ratio 1 आ रहा है अप्लाई कर देना मिड पॉइंट फॉर्मूला. So by midpoint formula, x is equal to x1 plus x2 upon 2. So x1 कितना है value? 1 plus x2 value कितना है? बताइए कितना है? -4 upon 2. So plus का 1, minus का 4, -3 upon 2. So coordinate of required point, is P. -3/2, 0. ऐसे लिखा जाता है बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट P कितना है, -3/2, 0. क्योंकि x का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया, -3/2, और y का वैल्यू क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको मालूम था कितना है, 0 है. क्यों है y का वैल्यू 0 बताइए, क्योंकि क्वेश्चंस में क्लियर लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट जिसके लिए रेशियो फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय द x एक्सिस. तो लाइन सेगमेंट अगर x एक्सिस के थ्रू डिवाइड हो रहा है तो x, 0 होगा, और लाइन सेगमेंट अगर y एक्सिस के थ्रू डिवाइड हो रहा है तो कोऑर्डिनेट आपका 0, y होगा. कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, 0, y.
तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रेशियो के रेशियो वन लेट करके अगर वाई जीरो है तो वाई के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, एक्स जीरो तो एक्स के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, के का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, जो भी के का वैल्यू आएगा वो रिक्वायर्ड रेशियो बनेगा। उसके बाद अगेन सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऑफिसर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके या वन रेशियो बनाते तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके उस रिमेनिंग अदर कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, एंड लास्ट यू विल गेट योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि किस तरीके से रिक्वायर्ड रेशियो को फाइंड आउट करते हैं और रेशियो कैलकुलेट होने के बाद में किस तरीके से रिक्वायर्ड पॉइंट को आप लोग फाइंड आउट करते हैं। क्लियर बेटा? लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूं लिखे फटाफट से, इफ और इफ करके फोर पॉइंट्स बोल रहा हूं लिखे कॉपी में, इफ ए इफ ए वन कॉमा टू, इफ ए वन कॉमा टू, बी फोर कॉमा थ्री, बी फोर कॉमा सॉरी थ्री नहीं बी लिखे आप लोग फोर कॉमा वाई, फिर कॉमा करके सी, सी के लिए लिखे क्या एक्स कॉमा सिक्स, एंड डी, डी के लिए लिखे थ्री कॉमा फाइव। वापस रिपीट करूं देखिएगा, इफ और इफ करके ये फोर पॉइंट है क्या क्या है, ए वन कॉमा टू, बी फोर कॉमा वाई, सी एक्स कॉमा सिक्स, एंड डी थ्री कॉमा फाइव आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन अ ऑर्डर, इफ ये फोर पॉइंट्स है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन अ ऑर्डर, टेकन इन अ ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई, टेकन इन अ ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या कैसे करना है, किस तरीके से करना है। अब यहां पे क्वेश्चन के अंदर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो कुछ भी नहीं पता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेमिंग में चेंज है। क्वेश्चन कह रहा है ये फोर पॉइंट है और ये फोर पॉइंट आपके वर्टिसेस है, किसके किसके वर्टिसेस है बताइए, ये वर्टिसेस है किसके, पैरेललोग्राम के। तो इसमें एक्स और वाई कैलकुलेट करना है, काम करते हैं सबसे पहले गिवन पॉइंट्स को एक बार पैरेललोग्राम के अप्लाई करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम पे अप्लाई होता है और सेक्शन फॉर्मूला एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को क्यों पूछा जा रहा है। तो पॉइंट आपको टेकन इन अ ऑर्डर लिखा हुआ है, मतलब एक ही सिक्वेंस में, आगे पीछे नहीं करना है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब फर्स्ट ए तो सेकंड बी, फिर थर्ड सी तो फोर्थ डी, एक ही ऑर्डर में रखना है। तो ए वन कॉमा टू हो गया, बी फोर कॉमा फाइव हो गया, फिर सी आपका एक्स कॉमा सिक्स हो गया, और डी आपका थ्री कॉमा, डी कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया थ्री कॉमा फाइव। क्लियर बेटा? तो ये फोर पॉइंट्स आपने ऑर्डर में ले लिए। अब बात आती है कि कैलकुलेशंस को करें कैसे, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ये बात सही है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कुछ बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो वो क्या करते हैं, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं कि ए बी और डी सी को इक्वल करके एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं एक्स और वाई में, इसी तरीके से बी सी और ए डी को इक्वल करके एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं एक्स और वाई में, और फिर उन दोनों रिलेशन को आपस में एक दूसरे के साथ सब्सटीट्यूट करके रिप्लेस करके और वो सॉल्व करते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मेथड गलत नहीं है लेकिन बहुत लेंथी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, मैं आपको मना नहीं करूंगा। आप एक टाइम में ए बी और डी सी को इक्वल करके एक रिलेशन बनाइएगा, मैंने क्वेश्चन करवाया था फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ए बी में वाई के टर्म्स में एक्सप्रेशन और सी डी में एक्स के टर्म्स में, तो दोनों को आमने सामने करोगे तो वैल्यू आएगा एक्स और वाई के अंदर, वैल्यू मतलब एक रिलेशन आएगा एक्स और वाई का। इसी तरीके से जब ए डी और बी सी को आपस में इक्वल पुट करोगे तो फिर एक रिलेशन आएगा, लेकिन उन दोनों रिलेशन को एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, तो इस मेथड से परफॉर्म नहीं करना। तो जब इस मेथड से परफॉर्म नहीं करना इसका मतलब पैरेललोग्राम की कुछ और प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए जिससे कि आपका सेक्शन फॉर्मूला कंडीशन अप्लाई हो सके। तो बताइए ऐसी क्या कंडीशंस होती है जिसमें सेक्शन फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या किसी के बारे में कोई आइडिया? तो उसके लिए आपको यह समझना होगा क्या कि नाइन्थ क्लास में प्रॉपर्टी सिखाया जाता था क्या, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहां से सुनेगा वर्ड्स में क्या बोल रहा हूं, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जी हाँ, पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स को आप ज्वाइन करते हो, दैट मींस दैट डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। अगर इनका बाइसेक्टर्स पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स वो है जिसको आप बाइसेक्टर बोल रहे हैं, तो पॉइंट ओ मिड पॉइंट होगा एसी का, एंड पॉइंट ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बीडी,
अब कॉर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ ऑन डायगनल ए सी एंड कॉर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ ऑन डायगनल बी डी, दोनों के कॉर्डिनेट्स को जब आपस में इक्वल पुट कर दोगे, इसके लिए ओ के कॉर्डिनेट ए सी के लिए और उसी ओ के कॉर्डिनेट बी डी के लिए जब आपस में इक्वल पुट करके कंपेयर करोगे तो मिसिंग वैल्यूज एक्स और वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉपी में पहले लिखे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ये लिखना, लिखे फटाफट से, वी नो दैट इन पैरेललोग्राम, वी नो दैट इन पैरेललोग्राम्स डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इन पैरेललोग्राम्स डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वी नो दैट इन पैरेललोग्राम्स डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर नेक्स्ट में लिखिएगा दैट इज पॉइंट ओ, पॉइंट ओ इज द, अगर बाइसेक्ट ईच अदर है दैट मीन्स पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगनल ए सी एंड डायगनल, पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगनल ए सी एंड डायगनल बी डी, दैट इज पॉइंट ओ इज द, पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगनल ए सी एंड डायगनल बी डी। क्लियर है? जब ओ मिड पॉइंट है डायगनल ए सी और बी सी का, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, अगर दोनों के लिए मिड पॉइंट है इसका मतलब ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ ऑन डायगनल ए सी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ ऑन डायगनल, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ ऑन डायगनल बी डी। क्लियर है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ ऑन डायगनल ए सी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ ऑन डायगनल बी डी। तो अब देखिए, जब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ मिड पॉइंट से फाइंड आउट करना है तो इसके लिए भी एक्सप्रेशन आपको पता है, ए सी के लिए भी एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, और यही दूसरी तरफ चलेगा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। ये तो सबको मालूम है ना बेटा, मिड पॉइंट से एक्सप्रेशन मालूम है ना। तो ध्यान रखिएगा, गलती से भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई मत करिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत मुश्किल होता है जब लास्ट में जाके सब रास्ते बंद हो जाते हैं और हाथ खड़े कर देते हैं कि अब तो अपने पास में कुछ है ही नहीं। इसलिए हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर क्वेश्चन का वो फॉर्मेट आपको आना चाहिए जो एक्चुअल में उसके लिए बना है, जो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट से ही काम इजी बन पाएगा। अब देखिए, ओ के कोऑर्डिनेट अगर ए सी के मिड पॉइंट के लिए काम करें तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो एक्सप्रेशन में बहुत क्लियर विजिबल है वन प्लस एक्स अपॉन टू, और वाई वन प्लस वाई टू बात करें ए और सी के लिए, इधर से टू है उधर से सिक्स है, तो ये हो गया टू प्लस सिक्स अपॉन टू इज इक्वल टू, फिर से जब डायगनल बी डी के लिए बात करेंगे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है फोर प्लस थ्री अपॉन टू कॉमा वाई प्लस फाइव अपॉन टू, फोर प्लस थ्री अपॉन टू कॉमा वाई प्लस फाइव अपॉन टू। तो इसको अगर थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं आगे चल के, और वन प्लस एक्स अपॉन टू कॉमा टू प्लस सिक्स एट अपॉन टू फोर, फोर प्लस थ्री सेवन अपॉन टू कॉमा वाई प्लस फाइव अपॉन टू, वाई प्लस फाइव अपॉन टू। माई कंपेरिजन देखिए, कंपेरिजन तो करना ही पड़ेगा, क्यों करना होगा कंपेरिजन, क्योंकि दोनों तरफ दोनों के बीच में किसका साइन है, ये दिख रहा है क्या साइन, किसका साइन है इक्वल टू का, तो इक्वल टू का अगर साइन है तो डेफिनेटली एलएचएस के अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आरएचएस ब्रैकेट के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, और एलएचएस का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आरएचएस के वाई कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होगा बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन जब करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन टू, 1 प्लस एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू 7 अपॉन टू, टू से टू कट हो गया तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6, एंड जब सेकेंड टाइम आप कंपेयर करेंगे तो 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 अपॉन टू, डिवाइड टू का चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बताइए y प्लस फाइव कितना हो गया 8 एंड y इज इक्वल टू 3। तो इसमें आपको कोई कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड आउट करने, इसमें आपको x और y ही फाइंड आउट करना था। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6, यहां से देखिएगा बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चंस है जब आपको कोई वैल्यूज x और y फाइंड आउट करना है, और ये किसके वर्टिसेस है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, और पैरेललोग्राम के अगर वर्टिसेस है तो उसके लिए आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके हेल्प से, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और इसमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आता है पेपर में दिया हुआ, देखिए अभी तो चारों पॉइंट में से एक में वाई अननोन था, एक में एक्स अननोन था,
और बाकी दो के लिए दोनों पॉइंट दे रखे थे। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, ए बी सी तीन पॉइंट के कॉर्नेट आपको दे देंगे, ए बी सी तीन पॉइंट के कॉर्नेट आपको गिवन दे देंगे। और क्वेश्चन पूछेगा इफ ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, तो फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को क्या लेट कर लीजिएगा, एक्स कॉमा वाई, और ये फॉर्मुला वापस अप्लाई करके कंपैरिजन करके क्या फाइंड आउट कर दीजिएगा, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनता है पेपर में, आता वन और टू मार्क्स में है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ चले जाते हैं, जो कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत गलत है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा गलत है, जिससे कि आप सेटिस्फाइड आंसर पे पहुंच ही नहीं सकते। क्लियर पॉइंट, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसमें परफॉर्म करते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे, और फिर ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट है, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। तो लिखे क्वेश्चन कॉपी में, इफ पॉइंट ए माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, इफ पॉइंट ए माइनस टू कॉमा माइनस थ्री लिख लिया, एंड बी टू कॉमा माइनस फोर। इफ पॉइंट ए, वापस बोल रहा हूं, इफ पॉइंट ए माइनस टू कॉमा माइनस थ्री एंड बी टू कॉमा माइनस फोर, ये लिखा आपने इफ पॉइंट ए एंड बी। फिर आगे लिखे फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। इफ ए एंड बी आपको दे रखा है, फिर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी कॉमा पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। ओके बेटा, ए और बी आपको दे रखा है, कोऑर्डिनेट पी के फाइंड आउट करने हैं, कंडीशन आपको दे रखा है कि ए बी किसके इक्वल है 3/7 ए बी एंड पी इज लाइ ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। तो डायग्राम पे अगर बात करें तो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, और कंडीशन ये है कि पी की लोकेशन इस तरीके से आपको लेनी है कि जो ए पी पार्ट है वो ए बी के कंपेयर में कितना है 3/7 ए बी है। क्लियर है? तो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या आ गए, माइनस टू कॉमा माइनस थ्री। दूसरा पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, टू कॉमा माइनस फोर है, और जिस पॉइंट पी के लिए आपको कंडीशन दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, तो सबसे पहले ये लिखना आपको, लिखे सॉल्यूशन के अंदर, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, पी लिख के ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, एपी इक्वल टू 3/7 ए बी। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार रिपीट क्यों हुआ है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि आपको अगर पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो सबको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला तो अप्लाई करना होगा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि पॉइंट पी किस पे लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी पे लाई कर रहा है। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला के लिए आपको क्या चाहिए, एपी और पीबी में रिलेशन चाहिए, लेकिन क्वेश्चन जो है एपी और एबी में रिलेशन दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर वो पॉइंट पी उस लाइन पे लाई कर रहा है तो आप और मैं इस बात को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं कि जो एबी है वो एपी प्लस पीबी के लिए ही एक्सेस होगा और किसी के लिए नहीं होगा। बताइए सही है या नहीं ये बात, एबी का वैल्यू एपी प्लस पीबी के लिए ही एक्सप्रेस होगा। तो देखिए, डिवाइड 7 चेंज इनटू मल्टीप्लाई 7 एपी इज इक्वल टू 3 से ब्रैकेट को ओपन कीजिए 3 एपी प्लस 3 पीबी। तो एक्सप्रेशन अगर आगे सॉल्व करते हैं, 7 एपी माइनस 3 एपी इक्वल टू 3 पीबी, तो 7 टाइम्स एपी में से 3 टाइम्स एपी अगर जाएगा तो 4 टाइम्स एपी बचेगा, 4 टाइम्स एपी इज इक्वल टू 3 टाइम पीबी। अब बताइए आपके पास में एपी अपॉन पीबी का वैल्यू कितना आया, बताइए बेटा एपी अपॉन पीबी का वैल्यू कितना आया, गलती मत कीजिएगा 4/3 की। एपी के डिवाइड में अगर पीबी लेके जा रहे हैं
तो थ्री के डिवाइड में फोर को एक्सप्रेस करना है, एपी के अपॉन में अगर पीबी को लेके जा रहे हैं तो थ्री के डिवाइड में फोर को एक्सप्रेस करना है, तो एपी अपॉन पीबी। अब देखिए एपी और पीबी का वैल्यू अगर 3/4 आ गया, दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड रेशियो आपको मिलेगा इसका एपी रेशियो पीबी इज इक्वल टू 3:4। तो अब बताइए M1 रेशियो M2 कितना आया आपके पास में, समझ में आ रहा है क्या कुछ? M1 रेशियो M2 कितना आ गया? 3:4 आ गया। कितना आ गया बेटा? 3:4। तो बस इतना सा काम ही एक्स्ट्रा करना है, इसके बाद में तो आपका अपना सेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट, बाइसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी करके मैं क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा करके M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। मैंने आपको बता रखा है कि आप अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप चाहे तो एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉइंट P के लिए मैं कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, तो P लिखा M1x2, तो अब देखिए 3:4 में M1 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई x2 कितना है, यहां से देखिएगा वैल्यूज को 2 है, प्लस M2, एक एक पे पॉइंट रख के काम कीजिए, M2 4 है, तो x1 माइनस 2 है अपॉन में क्या आता है M1 प्लस M2, फिर कॉमा करके M1 3, यहां से देखिएगा y2, टाइम पास बिल्कुल नहीं है, बहुत एक्यूरेसी के साथ वैल्यू पुट करना है, प्लस M2 कितना है 4, y1 कितना है माइनस 3 अपॉन में M1 प्लस M2, दैट इज 3+4, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर? P 3 × 2 = 6, 4 × 2 = −8 अपॉन 7, 3 − 4 − 12 माइनस 4 × 3 = 12, 3 × −4 − 12, 4 × −3 − 12 अपॉन 3+7, 3+4 = 7। What is the final answer? P 6 − 8 कितना आएगा? 6 − 8 −2/7 कॉमा −24/7। क्लियर बेटा? P का वैल्यू कितना आ गया? What is the coordinate of that point? आपको P के लिए फाइंड आउट करना था ना, P के लिए coordinate. So required point P is −2/7 कॉमा −24/7। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो इसी के साथ अपने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, बेस्ड ऑन द सेक्शन फॉर्मूला एक्सरसाइज में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डिफरेंट फॉर्मेट्स बताते हैं उनके बारे में आपको मैंने अलग से बता दिया। तो अच्छे से वीडियोस को देखिए, स्टडीज कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।